हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चॉकलेट ट्रफल केक बनाने वाली हूँ, साथ ही में मैं चॉकलेट गनाश भी बनाने वाली हूँ। तो चॉकलेट गनाश को बनाने के लिए मैं मैदे, क्रीम और चॉकलेट का यूज नहीं करूँगी और कुछ मैं डेकोरेशन टिप्स भी दूंगी जिससे आप आसानी से घर में केक को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए किसी तरीके के क्रीम की ज़रूरत नहीं है। अब हम केक जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ये पतीला लिया है, इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करने के लिए मैंने बटर का यूज़ किया है। बटर का यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि केक हमारा नीचे से जलता नहीं है और चिपकता भी नहीं है। और अब मैं इसमें मैदा लगा दूंगी, तो हम मैदे से डस्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम केक टिन को तैयार कर लेंगे। मैं बड़े साइज़ का केक बना रही हूँ, तो मैं पतीले में बना रही हूँ। अगर आपके पास भी केक टिन नहीं हो बड़े साइज़ का, तो आप पतीले में बना सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, इसमें हम केक को बेक करने वाले हैं। तो मैं इसमें 2 कप नमक डाल रही हूँ। नमक को हम रीयूज़ कर सकते हैं, मैंने इस नमक को पहले भी यूज़ किया हुआ है। और अब मैं इसमें स्टैंड रख दूँगी। स्टैंड रख के हमें इसे 10 मिनट तक प्री हीट करना है, तो हम मीडियम फ्लेम पर ही इसको प्री हीट करेंगे। और अब मैं इसका लिड लगा दूंगी। अब केक का बैटर बनाते हैं। तो केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम पिसी हुई चीनी लेंगे। तो मैं 1 1/4 कप चीनी ले रही हूँ। और अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, तो ये मैं 3/4 कप डाल रही हूँ। और अब हम इसमें बटर मिल्क डालेंगे। अगर बटर मिल्क आपके पास नहीं हो तो आप घर पे भी इसे आसानी से बना सकते हैं। 1/4 कप दही ले लीजिए, 1/4 कप दूध ले लीजिए और दोनों को मिला लीजिए, तो हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। और अब मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल रही हूँ, तो ये मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। इन सबको डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। तो ये सभी चीज़ें हम छान के डालेंगे, इसलिए मैंने छलनी नीचे रखी है। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1/2 कप कोको पाउडर डालेंगे। और अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, तो ये 1 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। अब बेकिंग सोडा डालेंगे, तो मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। और नमक डालेंगे, तो नमक भी हम 1/4 टीस्पून ही डालेंगे। कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मैं डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से छान लेंगे। छानने से सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो देखिए, मैंने छान लिया है। इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, कट एंड फोल्ड मेथड से ही हम मिक्स करेंगे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसमें हम पानी मिलाएंगे। तो पहले मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ इसमें। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। वन फोर्थ कप पानी डालने के बाद मैंने 2 बड़े चम्मच पानी और डाला है, ताकि हमारा बैटर एकदम स्मूथ बन जाए। तो देखिए, हमारा स्मूथ बैटर बनके तैयार है। अब बैटर को पतीले में डालेंगे, जो पतीला हमने तैयार करके रखा है। ये पतीला बड़े साइज़ का है। अगर आपके पास भी केक टिन बड़े साइज़ का नहीं हो, तो आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बैटर डालते हैं, तो वो आधा ही भरना चाहिए। अगर आधा से ज़्यादा भरेगा, तो ओवरफ्लो हो सकता है बेकिंग के टाइम। बैटर डालने के बाद 2 बार टैप कर लेंगे। कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है, अब हम इसमें पतीले को रख देंगे। पतीले को रख के इसका लिड लगा देंगे और इसको 1 मिनट के लिए पहले हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 1 मिनट हो जाने के बाद इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 1.5 घंटे के लिए बेक करेंगे। 1.5 घंटे के लिए इसलिए बेक करेंगे क्योंकि इस केक का साइज़ बड़ा है, तो इसको पकने में टाइम लगता है। 1.5 घंटे हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं।
तो देखिए केक हमारा बनके तैयार है, केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको पतीले से निकाल ले रही हूँ प्लेट में। केक बहुत ही आसानी से निकल गया है, केक बहुत ही अच्छा बना है, बहुत सॉफ्ट भी बना है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसे आप बिना किसी आइसिंग के खा सकते हैं आराम से। और अब हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने 3/4 कप पिसी हुई चीनी ली है। अब कोको पाउडर डालूंगी, तो कोको पाउडर हम 1/2 कप प्लस 1 बड़े चम्मच लेंगे हम। और अब इसमें दूध डालेंगे, तो दूध मैं 1/2 कप डालने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1/4 कप दूध डाल रही हूँ। दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें बटर डालूंगी, बटर 1/3 कप डालेंगे। और अब हम गैस को ऑन कर लेंगे, इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। लगातार इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जल सकता है। तो देखिए बटर मेल्ट हो चुका है। और अब मैं इसमें दूध डालूंगी, 1/4 कप दूध हम पहले ही डाल चुके हैं, अभी मैं 1/4 कप दूध फिर से डाल रही हूँ। तो टोटल हमने 1/2 कप दूध इसमें डाल दिया है। तो देखिए हमारा चॉकलेट गनाश बनके तैयार है। हमें इसको केक के ऊपर पोर करना है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये हल्का ठंडा होता है तो भी ये थिक हो जाता है। चॉकलेट गनाश को मैं इस बोल में डाल रही हूँ। डायरेक्ट चाहे तो केक पे पोर कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे। चॉकलेट गनाश बनके तैयार है। अब मैं केक की ऊपर वाली लेयर काट रही हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट इस पे चॉकलेट गनाश डाल सकते हैं अगर आपको डेकोरेशन नहीं करनी है। मैं डेकोरेट करने वाली हूँ इसलिए मैंने काटी है। तो मैंने फर्स्ट लेयर काट दी है। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। केक कट चुका है और बहुत ही अच्छा जालीदार केक बना है। अब मैंने ये स्टैंड लिया है, स्टैंड पर केक रखूंगी और इसी के ऊपर मैं चॉकलेट गनाश लगाने वाली हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट गनाश होगा वो नीचे निकल जाएगा। और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, पानी से ही मैं मॉइस्ट कर रही हूँ। शुगर सिरप डालने से केक बहुत मीठा हो सकता है। और अब हम इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालेंगे। तो मैं चारों बगल डाल दूंगी चॉकलेट गनाश को। तो मैंने थोड़ा थोड़ा चॉकलेट गनाश डाला है। और अब इसके ऊपर दूसरी लेयर रख देंगे। दूसरी लेयर रख के फिर से इसको पानी से मॉइस्ट करेंगे। चॉकलेट गनाश डालते वक्त ध्यान रखना है कि अगर चॉकलेट गनाश आपको थिक लगता है तो आप थोड़ा सा दूध डाल दें उसमें, और दूध डाल के आप इसको गर्म कर सकते हैं और फिर आप डालिए। अब मैं चॉकलेट गनाश इसके ऊपर डाल रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट गनाश होगा वो नीचे गिर जाएगा प्लेट पर। चॉकलेट गनाश अगर बच जाता है तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, इससे चॉकलेट भी बहुत अच्छी बनती है और आइसक्रीम भी बना सकते हैं। चॉकलेट गनाश लगा दिया है केक पे और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने वेफर रोल लिया है। ये वेफर रोल 5 रुपीस का आता है। ऐसे में 12 वेफर रोल यूज़ करने वाली हूँ डेकोरेट करने के लिए। इसको मैं 4 पीस में कट कर दूंगी। फिर हम इसे केक के साइड पे लगाएंगे। आप केक के साइड पे बिस्किट्स भी लगा सकते हैं, जैसे ओरियो बिस्किट, बर्बन बिस्किट, या फिर आप किटकैट भी लगा सकते हैं या डेरी मिल्क भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं साइड्स पे लगा रही हूँ, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। हम इसे पास पास लगाएंगे। केक बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत आसान है। ये तो बच्चों का खेल है, इसे बच्चे भी आसानी से कर सकते हैं। ये केक देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। कोई भी ओकेजन हो तो आप आराम से इस तरीके से केक बना सकते हैं। वेफर रोल रख के तैयार है और अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट लगाने वाली हूँ। तो चॉकलेट को मैं ग्रेट कर लूँगी। तो मैंने चिप्स कटर लिया है, इसके ऊपर मैं ग्रेट कर रही हूँ। चॉकलेट को हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे, बहुत सॉफ्ट नहीं होने देंगे, बस फ्रिज से निकाल के 10 मिनट के लिए बाहर रख देंगे, उसके बाद ग्रेट करेंगे, तब आसानी से होता है।
और बड़े बड़े कर्ल्स बनते हैं। आप चाहे तो स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं। कर्ल्स बनके तैयार है, अब हम इनको डालेंगे केक के ऊपर। आप चाहे तो सिर्फ साइड्स में डाल सकते हैं, मैं पूरा कवर कर रही हूँ। अगर आपको चॉकलेट नहीं लगाना है तो केक के ऊपर बिस्किट्स भी लगा सकते हैं। चॉकलेट ट्रफल केक हमारा बनके तैयार है। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, साथ में ये खाने में भी बहुत अच्छा बना है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। दोस्तों, मैं इस तरह के आसान रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।